खुशी की तमन्ना अपने आरोप में देखना है चोर कितना बाजुए कातिल है। साथियों, हमारी पिछली लड़ाई लगातार 22 तारीख से सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे और जेलों में। जैसा कि ज्यादातर हमारे साथी जानते हैं कि 25 तारीख को दिल्ली के अंदर हमारी टीम ने मिलकर एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में, जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसके विरोध में हमने दिल्ली के अंदर बाइक रैली निकाली थी। उसके बाद 28 तारीख को हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां यही पार्लियामेंट थाने पर दी थी और आज हमारा संसद का घेराव है और 2 तारीख को भारत बंद का ऐलान है। इसी को लेकर हमारी पूरी टीम लड़ाई लड़ रही है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला नहीं है, ये एक इस देश के 30 करोड़ लोगों के बच्चों की हत्याएं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन से एट्रोसिटी एक्ट कमजोर किया इस नालायक सरकार ने, उस दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक के बाद एक मनुवादी व्यवस्था के लोग गालियां दे रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं और अभी हाल में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें गुजरात की एक अहम घटना है। सिर्फ एक बच्चे का इतना दोष था कि उसने एक घोड़ा रख लिया। उन मनुवादी लोगों को यह रास नहीं आया कि एक दलित का बच्चा अपने घर पे घोड़ा रख सके और घोड़े की सवारी कर सके। उस बेचारे की निर्मम हत्या कर दी गई, चेहरा बिगाड़ दिया गया। क्या देश में दलित आदिवासी होना अभिशाप है? नहीं, ये देश हमारा है, ये देश हमारे बाबा साहब के संविधान पे चलता है, तो इस पे अधिकार भी हमारा पहले होगा। लेकिन चंद नपुंसक लोग भीड़ में इकट्ठा होकर एक अकेले नियत्ते को मारते हैं। माँ का दूध पिया है ना, पछताव नहीं होता हूं अकेले आकर लड़के देखू। आपको आपकी औकात का पता लग जाएगा, जहां मिलोगे वहां पिटोगे। झुंड में तो कुत्ते आते हैं जनाब, शेर अकेले में मरता है। और आप लोग देश को वर्ग लाने का काम करते हैं। आप कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो अंतिम हो जाएगा। मनुवादी सरकार ये सोचती है कि अगर उसने कोई फैसला कर दिया तो हम डर जाएंगे। जनाब, बाबा साहब की संतानें हैं और बाबा साहब की संतानें कभी डरती नहीं। और याद रखिएगा, हम लोग जब तक संविधान का सम्मान कर रहे हैं तब तक तो आप लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जिस दिन हमने संविधान को एक तरफ कर दिया और हमारे लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए, तो जनाब आपका घर भी नहीं पता है कहाँ है और कहाँ नहीं, घर में घुस के मारेंगे। जैसा कि हमारे साथी ज्यादातर लोग जानते हैं, हमारी टीमों ने दिल्ली के कल सारे बॉर्डर को सील करने की तैयारी कर दी है कि दिल्ली में ना कोई गाड़ी आएगी और ना कोई जाएगी। साथ ही नई दिल्ली स्टेशन, उसके आसपास में ट्रेनों को भी रोका जाएगा और सरकार को बताएंगे कि चक्का जाम होता क्या है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो किसी नेता के लिए नहीं हो रहा, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं हो रहा, किसी सामाजिक संगठन के लिए नहीं हो रहा, यह बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है, ताकि इन मनुवादी सरकारों को बता सके कि अगर हमारे बच्चे की तरफ किसी ने आंख भी उठा के देखी तो हम गर्दने झुकाना नहीं जानते, गर्दने उड़ाना भी जानते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए। और इस बात को हम सरकार को चेतावनी के साथ भी कहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हम सर्वोच्च न्यायालय के एक आंकड़े को बात करना चाहेंगे जिस पर ये लोग कहते हैं कि झूठे केस लगा जाता है एट्रोसिटी एक्ट में।
अरे नालायको, कभी तुम्हारे बच्चों का शोषण हुआ है क्या? हमारे बच्चों का शोषण होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है। एनसीआरबी सुप्रीम कोर्ट के जज से मेरे कहना है, कभी आके खोल के मधुमक्खियों की तरह मत बोला कर, जाके एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लेकर। देश में 2016 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, 41,000 से ज्यादा केस एट्रोसिटी के रजिस्टर्ड हुए और तुमने सिर्फ 995 केसेस के आधार पर कह दिया, यानी 41,000 लोग छूटे और 995 लोग तो सही। और वो 995 कौन लोग थे? सबसे ज्यादा सामाजिक शोषण का अपहरण होता है जो गरीब लोग हैं, जो लोग कोर्ट में केस रजिस्टर तो करवा लेते हैं लेकिन वहां तारीखों की वजह से नहीं जा पाते। वहां भी आपने मनमानी व्यवस्था को दिखाकर एक केस को आप करके हमारे लोगों के बच्चों के अधिकार छीन लिए, कब तक सहेंगे? ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है। हम एक बात कहना चाहते हैं जनाब, हम खुद पिट सकते हैं लेकिन जब मेरे बच्चे के ऊपर बात आएगी तो जनाब जो उन बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो उन्हें तोड़ा तोड़ा के मारेंगे, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो या आरएसएस क्यों ना हो, अगर मेरे बच्चे की तरफ आंख भी उठा के देगी तो आप तुरिया निकाल लेंगे और तुम्हारी मुंडिया को दबा भी देंगे। हम सीधी बात करते हैं, मैं एक बात को भी याद दिला दूं इन सरकारों को, यही जंतर मंतर था जब 200-250 लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, लेकिन जब हम अपनी पे आए तो उन 200-250 लोगों को दौड़ा दौड़ा के भी हमारी टीम ने पीटा था। जब हम यहां पे तुम्हें पीट सकते हैं तो तुम्हारे जगह पे आके भी तुम्हें पीट सकते हैं। अगर बात उस दिन हमारे पर हमले की हुई थी लेकिन आज बात हमारे बच्चों के भविष्य की है। और जब बात किसी भी माँ बाप के बच्चों की पहल पर आ जाती है, माँ बाप नहीं देखता कि संविधान क्या कहता है, माँ बाप ये नहीं देखता प्रशासन क्या कहता है, माँ बाप कभी ये नहीं देखते कि इस देश की सरकार क्या कहती है। हर माँ बाप ये कहता है अगर मेरे बच्चे पे पहला हाथ उठेगा तो मैं अपने बच्चे की तरफ हाथ उठने वाले हाथ को पहले काट दूंगा, ये हमारी नीति है। और आज ये जजमेंट जो आया है उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट की घटना बढ़ गई। उसके दूसरे दिन अगर शायद आपको जानकारी हो, 14 ऐसे लोगों को रिहा किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में दलितों के बच्चों को निशंक हत्या कर दी थी, जिनकी जमानतें नहीं हो रही थी, आज वो लोग अपने घर जाके बैठ गए। क्या इससे उन घटिया लोगों के मानसिकता में फिर वो नहीं आएगा? वो पैसे के बलबूते पे फिर से आकर क्या हमारे ऊपर हमले नहीं करेंगे? तो उन्हें पता है इस देश की कानून व्यवस्था तो हमारे उनका कुछ घुमा ही नहीं सकती। हम लोगों को बार बार ये कहना पड़ेगा कि जब बात बच्चों के भविष्य पर आती है तो हमें लड़ना होगा। एक रिपोर्ट ये भी कहती है, यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि हर 13 से 14 मिनट में एक दलित बच्चों का शोषण होता है और घटनाएं कितनी नहीं होती है? सिर्फ 41,000 साल में, जबकि रेशो ज्यादा है। मुश्किल से 10% जो कंप्लेंट हो रही थी उन्हें भी आपने समाप्त करने का उत्तर दिया कि वो भी ना हो, हमारे बच्चे पिटते रहे मरते रहे तब तक सहेंगे, बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब ना झुकेंगे ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस मानववादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नीरा